केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने गांडे से बीजेपी के प्रत्याशी मुन्या देवी के पक्ष में चुनाव प्रचार करते हुए कल्पना सोरेन पर तंज कसा है। गांडे की जनता को हेलीकॉप्टर से आकर ठगने वाली नेत्री को जनता सबक सिखाएगी। मुख्यमंत्री बनेगी इसके झांसे में बहुत से भाई बात आ गए इस सारे हेलो आवश्यक सूचना अपने गांडे विधानसभा क्षेत्र की लोकप्रिय मधुबिंदुवादी विचारधारा से प्रेरित भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता जो हमारी लड़ाई है लड़ाई का जो हमारा मुख्य हथियार होगा और वह होगा कमल का फूल। हमें किसी भी कीमत पर आने का कष्ट करेंगे। हमारे बीच उपस्थित हैं छोटी जो वर्तमान में सरकार है इस सरकार के द्वारा राज्य को बदनाम करने का काम राज्य को छलने का काम ठगने का काम की राजनीति करते हैं और छोटी छोटी चीजों को लेके ये चुनाव आयोग का है ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कोई शिकायत होगी या कोई वजह होगा जिसके वजह से उन्होंने किया। ये हमेशा से हर एक चीज़ों को चुनाव के साथ जोड़ते हैं और हमें लगता है कि अब लोगों को ये पता चल गया है कि ऐसा नहीं है। जिस तरह इनकी जो तुष्टीकरण की राजनीति है अब लोगों को मालूम चला है और इसको नकारने के लिए लोग कृत संकल्पित है कटिबद्ध है इसलिए कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ों को लेकर एक अलग से वो माहौल बनाने का नहीं हम इसीलिए गांडे में किस तरह से आपने देखा कि इस राज्य का पूरा कुनबा राज्य सरकार का यानी पूरा कैबिनेट बैठा हुआ था और लोगों को भरमाने का काम किया कि गांडे विधानसभा उपचुनाव अगर जीतती हैं कल्पना सोरेन जी तो राज्य की मुख्यमंत्री बनेंगी। तो कहीं ना कहीं इस सरकार झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडी गठबंधन का ये एक बड़ा हथियार है कि लोगों को गुमराह करना। तो लोग ये समझ चुके हैं अब इनके गुमराह में नहीं आने वाले हैं ये अब बरगलाना चाहेंगे तो लोग उस झांसे में नहीं आने वाले हैं और अब लोग ये तय कर चुके हैं कि जिस तरह पिछले बार गुमराह किया गया और हवा हवाई नेता लोग नहीं चाहते हैं कि हेलीकॉप्टर से आएंगे दो घंटा रहेंगे और चले जाएंगे। तो लोगों को नीचे रहने वाला चाहिए उनके हर सुख दुख में साथ रहने वाला व्यक्ति चाहिए उनका प्रतिनिधि ऐसा हो जो कभी भी सुबह से लेकर रात तक कभी भी वो उसको संपर्क कर सकता है और क्षेत्र के अंदर कोई भी समस्या हुई जो वो तुरंत वहाँ उपस्थित हो सकता है। और हमें लगता है कि मुनिया देवी जी इस गांडे विधानसभा की बेटी है और जिस तरह से जिला परिषद अध्यक्ष रहते हुए इन्होंने पूरे क्षेत्र में लगातार पूरे गिरिडीह जिला के अंदर भी देखे तो हर जगह काफ़ी सक्रिय रूप से ये काम की है। इसके पहले भी एक बार वो अध्यक्ष रही थी इस बार भी दूसरे बार ये अध्यक्ष है और काफ़ी सक्रियता के साथ ये काम कर रही हैं और लोगों को ये पूरा विश्वास और भरोसा है कि मुनिया देवी जी लोगों के हर दुख दर्द हर सुख दुख में वो साथ रहकर उनके साथ एक बेटी बहन बहू के रूप में काम करेंगी। इसलिए लोगों का भरोसा मुनिया देवी जी पर है और इस बार इनको पूरा आशीर्वाद गांडे की जनता दे रही है कि उनका प्रतिनिधि उनके साथ। झारखंड इस बैठक में झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला परिषद के सदस्य केदार हाजरा जी को आज हमने शामिल कराया उनके कई साथियों के साथ उसके साथ बालेश्वर दास जी भी शामिल हुए हैं। तो ये तो पार्टी में चलता रहता है आना जाना किसी के भारतीय जनता पार्टी विशाल वटवृक्ष है विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में ये सबसे बड़ी पार्टी है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य सेवा करना है आम जन की सेवा है और उसमें लोग आते जाते रहते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम ये प्रयास करते हैं कि हमारा ये जो राष्ट्रीय सेवा समाज सेवा के लिए आए हैं निश्चित रूप से वो भारतीय जनता पार्टी के एक सच्चे सिपाही के रूप में रहकर काम करें। चुनाव में स्वतंत्र है लोग आते हैं जाते हैं लेकिन वहाँ की जनता को निर्णय करना है और जनता ने मन बना लिया है कि इस बार एनडीए की सरकार बनानी है तो निश्चित रूप से पूरे प्रदेश में आप देखेंगे कि लोगों का जो रुझान है लोग जो चाहते हैं कि उसकी सरकार बने झारखंड के हित के लिए सरकार बने झारखंड के लोगों की अस्मिता को बचाने के लिए बेटी रोटी माटी को बचाने के लिए सरकार बने। तो इसलिए लोग चाहे वो महिला हो चाहे वो युवा हो किसान हो नौजवान हो या फिर हमारे गरीब भाई बहन हो
हर लोगों ने यह तय किया है कि झारखंड में अपनी अस्मिता, अपनी पहचान और बेटी रोटी माटी को बचाने का संकल्प उन्होंने लिया है। झारखंड में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। पहले तो आज इस विधानसभा गांडे विधानसभा क्षेत्र में आप देख रहे होंगे कि कार्यकर्ता हमारे भारतीय जनता पार्टी आजू जनता दल एनडीए के कार्यकर्ता साथियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक हुई और कार्यकर्ताओं ने यह संकल्प लिया है कि इस विधानसभा चुनाव में एनडीए के प्रत्याशी मुनिया देवी जी को हम लोग जिताएंगे। एक एक कार्यकर्ता अपने लक्ष्य के साथ वो लोगों के बीच जाएंगे, एक एक व्यक्ति तक जाएंगे और निश्चित रूप से जब तक चुनाव न हो जाए 20 तारीख तक मतदान तक सभी कार्यकर्ता क्षेत्र में रहकर इस सरकार की नाकामी को, जो वर्तमान में सरकार है, भ्रष्ट सरकार है और किस तरह से लोगों को ठगने और छलने का काम किया है, इस सरकार के खिलाफ लोगों को बताएंगे भी। और देश में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार है और आज किस तरह से भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार के माध्यम से देश को आगे बढ़ाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, तो हर एक चीज़ों को बताने का भी काम करेंगे। और निश्चित रूप से कार्यकर्ता हमारे काफ़ी उत्साही हैं और बहुत ही आगे बढ़ चढ़ कर कैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, एनडीए की सरकार बने, इसके लिए काम कर रहे हैं। मिनी लंदन मैकलुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।